सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीना अरीना को और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, मीना अरीना के फैशन सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शॉपिंग हॉल। मैंने कई सारे बॉटम्स मंगवाए हैं और कुछ बॉटम्स मैंने ट्राई किए हैं सस्फराज ब्रांड से। फर्स्ट टाइम मैंने ये ब्रांड परचेज़ किया है और बहुत अच्छा स्टफ़ है इसका। फुल वाइड लेंथ इस तरीके से है ये, और इसका MRP था 1399 और मुझे जितने का पड़ा है मैं नीचे लिख दूँगी। और बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है, बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लोई एंड आई लाइक इट। बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। ग्रे कलर में ये मैंने मंगाया है। ये ड्रेस आई डोंट नो ये क्या हुआ कि मैंने एक्स ब्रांड से पहले भी मंगवाया था। पहले एस साइज़ मुझे परफेक्ट आता था लेकिन इस बार मैंने एस साइज़ मंगवाया है तो ये मुझे फंसा ही नहीं। 1699 का इसका MRP था। इस तरीके से ये ड्रेस थी। इस तरीके से ये ड्रेस है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से इसके डिटेलिंग है। अंक्स ब्रांड का था, इसका MRP है 1699 और लेंथ वाइज तो मुझे परफेक्ट था बट मुझे ये आया ही नहीं, फंसा ही नहीं। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो जॉर्जेट है, बहुत फाइन क्वालिटी का जॉर्जेट नहीं है बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। और नीचे इसके जो लाइनिंग है वो भी ये क्रेप लाइनिंग है और ये इस तरीके की, तो इट्स ओके क्योंकि मुझे आया ही नहीं तो हाउ कैन आई टेल। एंड वन मोर थिंग जो मैंने सस्फराज से मंगाई है वो ये सस्फराज ने अपना ब्रांड जो डिटेल लिखा हुआ है, ब्रांड का जो साइज चार्ट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। उनके साइज चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे उनका साइज एल आना चाहिए था लेकिन मुझे हर चीज़ का एल साइज लूज आ रहा है। वैसे मैं एम साइज़ लेती हूँ तो आई थिंक मुझे एम ही उनका लेना चाहिए था बट उन्होंने जो डिटेल लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेरी फिटिंग एल थी। और ये इस तरीके से है, कोई बहुत अच्छा मटेरियल मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि वेलवेट है बट नॉट ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी। आई एम नॉट हैप्पी विद द फिटिंग विद दिस। मुझे ये इस तरीके की डिटेलिंग से मंगवाया था बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। इसका MRP था 1899 इसका MRP था। नेक्स्ट ये सस्फराज से ही है। सस्फराज से बहुत कुछ मंगा लिया मैंने। कोई ब्रांड फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और स्टिल मैंने उसमें से बहुत सारी चीज़ें मंगा ली। ये एक स्ट्रेट पेंट है इस तरीके से, इसमें यहाँ पर बटन डिटेलिंग भी है और ये लाइट ब्लू कलर की है। 899 100% कॉटन, लेकिन ये जो कॉटन है बहुत थिन है। आई थिंक आप इसमें से देख पा रहे होंगे, काफ़ी थिन कॉटन है ये। देखिए मेरा हाथ इसमें से नज़र आ रहा है, तो काफ़ी थिन कॉटन है ये तो इसलिए। बट क्योंकि हमने लॉन्ग सूट के साथ अगर हम डालते हैं तो इट्स ओके। वन मोर थिंग हैपन विद मी विद द ब्रांड अक्स। आई हैव परचेज्ड एम साइज, मैंने एम साइज ये मंगाया और ये देखिए इसकी वेस्ट लाइन, ये भी मुझे फिट ही नहीं हुआ। आल्दो मटेरियल बहुत अच्छा है, कलर बहुत सुंदर है, नीचे फ्लेयर बहुत अच्छा है, रेयॉन फैब्रिक है और सब कुछ अच्छा था लेकिन फिटिंग
वेस्ट लाइन बहुत कम थी, इन्होंने 28 वेस्ट लाइन लिखी हुई है, बट आई डोंट थिंक ये 28 है, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ये 24 है, बहुत छोटा है। एक और प्लाजो वाइड लेंथ पैंट्स बहुत सारी आई हैव परचेज्ड, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सस्फराज और 1399 प्राइस है और इसका क्रेप मटेरियल है, क्रेप या पॉलिस्टर, पॉलिस्टर पॉलिस्टर मटेरियल है और इसका इतना इस तरीके से वाइड है और क्वाइट लॉन्ग, बहुत गुड। एक और ये मैंने जेगिंग मंगवाई थी सस्फराज से, सस्फराज जो ब्रांड है वो आई थिंक बहुत लंबे लोगों के लिए है, मेरी हाइट 5'2" है तो मुझे इसकी हर चीज़ सुपर 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 लॉन्ग आ रही है, तो ये मेरे को, मुझे ये सुपर लॉन्ग आ रही है जैसे कि चूड़ीदार पहना हो इस तरीके से और सुपर हाई वेस्ट जा रही है, स्ट्रेचेबिलिटी ठीक है, मटेरियल वाइज इट्स ओके, बट इसकी लेंथ इट्स टू लॉन्ग फॉर मी, इट्स टू लॉन्ग फॉर मी। और इसका प्राइस था 1199। लास्ट जो आइटम मैंने परचेज की है वो ये कुछ, कौन सा ब्रांड है, La-zorie, आई डोंट नो हाउ कैन प्रोनाउंस दिस, दिस इज La-zorie, दिस इज द नेम ऑफ द ब्रांड, आई डोंट नो हाउ यू कैन प्रोनाउंस दिस, और इसका MRP था 1399 पॉलिस्टर फैब्रिक, ऑल्दो इसकी नेक के फिटिंग थोड़ा सा लूज सी है बट स्टिल क्योंकि पोल्का डॉट है और इसकी स्लीव्स इस तरीके से हैं थोड़ी सी फ्रिल में और यहाँ पर भी इस तरीके से डिटेलिंग है, ये देखिए इस तरीके से ये कट है थोड़ा सा इस तरीके से, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये कट है इसमें इस तरीके से और नीचे से स्ट्रेट ओपन है और इसके फ्रंट में भी इस तरीके से की होल बना हुआ है, नेक में की होल बना हुआ है एंड बैक में भी ये आपके बटन डिटेल है, इस तरीके से बटन लगे हुए हैं, बटन क्लोजर इस तरीके से फोल्ड होकर के ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, आई थिंक ढेर सारे फोल्ड इसमें आने हैं और ये कुल मिला के अच्छा लगता है।